स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और दिल्ली से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर यह बड़ी खबर है। भगत चरण दास की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई है। पूर्व सीएम हुड्डा उदय भान भी इस मीटिंग में शामिल रहे और प्रभारी दीपक बाबरिया भी इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर सामने आ रही है। विचार विमर्श मंथन इस बैठक में किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, बैठक के वक्त की तस्वीरें। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य इसमें शामिल हुए हैं और दिल्ली में यह बैठक हुई है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की। भगवत चरण दास की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई और मीटिंग के अंदर की तस्वीर, तमाम दिग्गज आपको एक साथ नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, दीपक बाबरिया, तमाम दिग्गज इस वक्त एक साथ मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, फिलहाल ये मीटिंग चल रही है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास इस बैठक को लेकर? देखिए बिल्कुल, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक इस वक्त चलती हुई नजर आ रही है, जिसमें भक्त चरण दास जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं उनकी अध्यक्षता में ये बैठक देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की बात की जाए और प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया इसमें देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, उससे पहले ये महत्वपूर्ण स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। 9 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का पैनल तैयार करने के लिए बड़ी बैठक जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं कि कल की बैठक में करीब 3 से 4 सीटें जो है कांग्रेस जो है पैनल जो है रखती हुई नजर आ सकती है। इसी के लेकर कवायद वह देखने को मिलती हुई नजर आ रही है और हमने देखा कि इस बैठक से पहले अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, उनसे भी 1-to-1 डिस्कशन जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भक्त चरण दास जो है करते हुए नजर आए, ताकि एक सबसे बातचीत करके जो टिकट वितरण है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता हुआ नजर आए। ऐसे में महत्वपूर्ण ये कि जो अलग अलग नेता, SRK गुट की बात की जाए, कैप्टन अजय यादव की बात की जाए, उनका फीडबैक किस तरीके से देखने को मिलेगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल आज कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस जो है 9 लोकसभा सीटों पर पैनल तैयार करने के लिए एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की यह बैठक करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, चलिए स्पर्श बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।